नमस्कार, मैं पंडित रामदेव जी आप सबके समक्ष श्री नवग्रह स्त्रोत्र पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस पाठ को करने से आपके जीवन में, आपके घर में जो भी आदि व्याधि रहेगा वो सब दूर हो जाएगा। नवग्रहों से, किसी भी ग्रह से अगर कोई दिक्कत परेशानी आपके जीवन में चल रहा है तो उसमें भी शांति जरूर मिलेगा। आइए हम मिलकर श्रवण करते हैं इस नवग्रह स्त्रोत का। हरि ओम ओम जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महादुतिम तपोहरि सर्वपाप घनम प्रणतो अस्मिन् दिवाकरम दधे शंख तुषाराभम क्षीरोदारवसंभवम् नमामि शशीनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणं धरणिगर्भसंभूतं विद्युत्कान्तिसंप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम् प्रियंगु कलिकाश्यामं रूपेणा प्रतीतं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुधिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हेमकुन्द मृडालाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलांजन समाभाषं रविपुत्र यमाग्रजं छायामार्तंड शंभुतं तं नमामि सनैश्चरं अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनं सिंहिका गर्भसंभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पालाश पुष्प संकाशं तारकाग्रह मस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं इति व्यास मुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहित दिवावाय यदि वा रात्रो विघ्न शांति भविष्यति नर नारी नृपाणां च भवेदुः स्वप्ननाशन ऐश्वर्यमतुल्यं तेषां आरोग्यं पुष्टिवर्धनम। नमस्कार, आशा करता हूँ आप सबको यह जानकारी और यह नवग्रह स्त्रोत्र श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। नमस्कार।